और इसी बीच गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए लगाए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट। गुरुग्राम में 125 स्थानों के बजाय 37 स्थानों पर ही नमाज होगी। मस्जिदों के अलावा 25 जगह निर्धारित की गई हैं नमाज के लिए। 76 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दी गई है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि मीटिंग यहां पर हुई थी, सहमति बनी है और 37 जगहों पर अब जुमे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। नमाज के दौरान पुलिस यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। प्रशासनिक अमले की छुट्टियां भी यहां पर रद्द कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। गुरुग्राम में 125 स्थानों की जगह अब सिर्फ 37 स्थानों पर ही नमाज अदा की जाएगी। मस्जिदों के अलावा 25 जगहों को निर्धारित किया गया है जहां पर जुमे की नमाज होगी। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद जो बीच में हुआ था, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और इसके साथ ही मुस्लिम संगठन हिंदू संगठनों के बीच बैठक हुई, मीटिंग यहां पर बुलाई गई और उसके बाद जब तमाम सहमति बनी और जगह निर्धारित की गई, यानी कि अब 37 जगहों पर जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इसके साथ विजेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, सहमति बन गई है, किस तरीके की व्यवस्था रहेंगी, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से? देखिए, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पहले से अलर्ट है और कई बार हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठनों से मीटिंग कर चुका है। हाल ही में जो सहमति बन पाई है, 37 जगहों पर अब नमाज पढ़ी जाएगी, जिसमें 24 जगह है वो विवादित नहीं है, उनमें पहले से ही नमाज पढ़ी जा सकती थी। जिस तरह का जो तर्क दिया गया था मुस्लिम समुदाय की ओर से कि हमें करीब पहले हम 100 से अधिक जगहों पर नमाज पढ़ते थे जब किसी प्रकार का विरोध नहीं था, लेकिन अब सिमट कर 37 जगहों पर नमाज पढ़नी पड़ रही है। हाल ही में जो 13 जगह चिन्हित की है प्रशासन ने, उनमें टेम्परेरी तौर पर रमजान को देखते हुए फिलहाल नमाज वहां पर पढ़ सकते हैं, अन्यथा उसके बाद जो कब्जे की जो इनकी ईदगाह वक्फ बोर्ड की जमीन है उनको दुरुस्त करें, उसके अंदर नमाज पढ़ने के आदेश दिए गए। तो फिलहाल सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पुख्ता की गई है, छुट्टियां रद्द की गई है अधिकारियों की, और जितनी 37 जगहों पर पुलिस भी तैनात रहेगी, नजर रखी जाएगी, आईबी की तौर पर सीआईडी सब इस पर लगी हुई है, क्योंकि ये एक मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है, काफी किसी प्रकार का विवाद बड़ा ना हो इसके लिए पूरी अलर्ट है गुड़गांव। चलिए, अलर्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, 37 जगहों पर ही अब नमाज अदा की जाएगी।